हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू नेगेटिव, चार तरह के सेंटेंस आपको हमने बताए थे। आज की इस वीडियो में हम दिस दैट प्लस एडजेक्टिव, दिस दैट के साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से करते हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान, उसकी जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता मतलब जैसे मार्कर अच्छा है, तो यहाँ मार्कर तो है लेकिन अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषता है, इसके बारे में बताता है कि ये अच्छा मार्कर है, ये इसकी विशेषता है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, कल की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, समथिंग 18 या 20 मिनट की वीडियो हो गई थी। हमने सोचा आज हम पहले से इसे लिख कर रखते हैं, नहीं साथ में लिखते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखने में भी उसे बोर होते होंगे, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, दिस दैट, यहाँ दिस और दैट दोनों का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? कार महंगी, कार तो है लेकिन क्या है, ये कार महंगी है, महंगी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। व्यक्ति आलसी, आलसी है, आदमी तो है लेकिन क्या है, आदमी आलसी, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, मतलब एक व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए एक एक सेंटेंस समझते हैं। यह सेब लाल है, यह सेब लाल है, यहां पर सेब की विशेषता क्या है, सेब की विशेषता यही है कि सेब लाल है। दिस एप्पल इज रेड, यह लड़की चालाक है। दिस गर्ल इज क्लेवर, ऐसे अगर होता तो हम कहते यह लड़की है तो दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि लड़की चालाक है। तो दिस गर्ल इज क्लेवर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब कोई नाउन आता है, यहां पर एप्पल क्या है, नाउन है, लड़की क्या है, नाउन है, घास क्या है, नाउन है, पलंग क्या है, नाउन है, तो इसे जब हम सेंटेंस में हिंदी में आता है कि यह सेब, यह लड़की, यह घास, तो उसी सब्जेक्ट के साथ इसे तुरंत लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां लिखा है यह सेब, तो सबसे पहले लिखा गया दिस एप्पल, ठीक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो यह लड़की चालाक है, दिस गर्ल इज क्लेवर, वो घास हरी है, यहां पर वो आप वो भी बोल सकते हैं और वह भी बोल सकते हैं, वो घास हरी है। दैट ग्रास इज ग्रीन, ये घास की विशेषता बता रहा है कि घास सूखी है या हरी है, तो घास हरी है, ये हरी इसकी क्या विशेषता हुई। वह पलंग सस्ता है, यहां पर दैट का मतलब वो, यहां पर मतलब वह, आप वो भी कह सकते हैं और वह भी कह सकते हैं, हमें ये सारा ही तो करना है कि वो या वह, हम अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से बोलते हैं। वह पलंग सस्ता है, दैट बेड, वह पलंग, वह दैट पलंग बेड इज चीप, वह पलंग सस्ता है। ये लड़का बहादुर है, ये आप ये भी कह सकते हैं दिस के लिए और यह भी कह सकते हैं, ये लड़का बहादुर है। दिस बॉय, ये लड़का, हेल्पिंग वर्ब इज ब्रेव, ये लड़का बहादुर है। तो इसमें लाल, चालाक, हरी, सस्ता, बहादुर, ये क्या हुआ, ये सभी एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये इन सभी की विशेषता बता रहे हैं कि कौन क्या है। यह कार महंगी है, दिस कार, सब्जेक्ट दिस, कार नाउन आ गया, दिस कार इज एक्सपेंसिव, यह कार महंगी है। वह व्यक्ति आलसी है, दैट पर्सन, वह व्यक्ति, दैट पर्सन इज लेजी, वह व्यक्ति आलसी है।
वो औरत, यहां पर वह, यहां पर वो, आप वो कहें या वह कहें, वो औरत गरीब है। दैट वुमैन इज पुअर। ये बंदर उदास है। दिस मंकी इज सैड। मंकी की विशेषता क्या बताई जा रही, सैड, मंकी उदास है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वो चिकित्सक अमीर है। दैट डॉक्टर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वह चिकित्सक या वह डॉक्टर, हमने शुद्ध हिंदी लिख दी चिकित्सक। दैट डॉक्टर इज रिच, वह चिकित्सक या वह डॉक्टर या वो डॉक्टर अमीर है। यह फूल अच्छा है। दिस फ्लावर इज गुड। इसमें भी क्या हुआ, एक्सपेंसिव, लेजी, पुअर, सैड, रिच, गुड, ये सभी क्या है, ये एडजेक्टिव। और जैसा कि हमने यहां पर लिखा था, दिस दैट विद एडजेक्टिव, तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम दिस के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अभी हम आगे भी इसके बारे में समझाएंगे, आगे भी अगली वीडियो में बताएंगे, उसमें नेगेटिव के सेंटेंस होंगे, इंटरोगेटिव होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। लेकिन यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद, टेक केयर।